जननी जने तो सूरमा जैसे गुरु गोबिंद शेरा वर्गे शत्रु सावना सकन जिंद दाता मैं कलम उठा ली तेरे सहारे पे आज जहां मेर कर दियो कर्मा दे मारे पे जोगी न माना टच्छा तेरे द्वारे पे हिंदिया दा बेड़ा पार लाया तू तार के देश दी राखी कीती पुत्रां नू वार के भारत लई लाल वार पे विच जन्म तार के पापी गई तारे सी सीख मजे फकरां वाले शंके नवारे सी दर्शन कर राणी मैनी तब दे दिल ठारे सी दुखियां ली पिता भेजता दिल्ली कुर्बानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू कवियां दी नमस्कार है छोटी बेटी उमर जंगा हानी बन लड़िया तू तीरां दे नाल दातिया पनिया सी कड़िया तू गल्लां वी चोजां परियां कीतियां बड़िया तू वड्डे होए जंग करांगे आखा वंगार के देश दी राखी कीती पुत्रां नू वार के भारत तो लाल वार पे बदले तो आनंदपुर आ गए कईयां नू तारिया कीती जे बैस किसे ने छालां नाल हारिया लखां ने दर्शन करके आपा सवारिया अखां नाल वेख जरे ना माड़े दी हानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू कवियां दी नमस्कार है तारे परम नवारे कैरां नू कूरिया सोदन दी करी तैयारी वैरी खंगूरिया कैर डरपोक कीते कर्मा नू चूरिया दिता सी जीवन पहला जूंदे नू मार के देश दी राखी कीती पुत्रां नू वार के भारत तो लाल वार पे खंडे नाल खोर पतासे पानी विच पा गए दे पापी विच छड़ती प्यूंद बाणी दी लागे ते पहला सिर कट लै फेर धड़ते टिका गए ते लागे इक तार पिलाता हर एक पारानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू कवियां दी नमस्कार है गारे सिंह कोरियां ते चढ़दे रहे करके तैयारी राजे रण दे विच लड़दे रहे राजे कई भीम चंद जै खाना वेख सड़दे रहे आउंदे रहे जावर चढ़ के जांदे रहे हार के देश दी राखी कीती बच्चिआं नू वार के इंडिया तू लाल वार पे जिन्नां तकलीफां दा पा देश लई बड़ियां तू लाइयां चमकौर दे अंदरों तीरां दीआं चढ़ियां तू तोहड़ियां सोहणे देश तों लालां दीआं लड़ियां तू रण दे विच बच्चिआं दी सी देता कुर्बानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू कवियां दी नमस्कार है चोला माछी वारे विच सुते सी रोड़ां दी सेज विशाली ओ पाले दी रुते सी वर्दियां कणियां बिजली कड़क दी उत्ते सी इथों पर पहुंचे अगे कहत सहार के देश दी राखी कीती बच्चिआं नू वार के भारत तो लाल वार पे ही हलकारे दसिया दाते नू आगे ते नीहां विच सहे बजा दे आपा चिणवा गे ते माता दी तुरदी इथों शुक्र मना गे ते तुर पे चुक गनी नबी खां पंथ दे बानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू कवियां दी नमस्कार है दमदमी बीर च सदरां दम दमे भरियां सी रैसी नौ महीने नौ दिन परखां कई करियां सी इथों फिर कदमां अगे दखण वल तरियां सी वैरी नू सोदन बंदा तोरिया शिंगार के देश दी राखी कीती बच्चिआं नू वार के भारत तो लाल वार पे फिर कर जा कौडी कौडी कर मोड़िया दित्ता दे हीरा किसे ने ओले दी विच रोड़िया टालां नाल मोहरां वंडियां लाल चमो तोड़िया जो भी सासन दे तुर गए छड़ के जग फानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू कवियां दी नमस्कार है। सब तो पहला
कलगियां वाले महाराज की बनाई हुई फतेह बुलाइए, जो सिखी का सच्चा तो सुचा असूल है। सरबत माई पाई गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुक्म होया कि शहीदों की मिसल जथेदार बाबा दीप सिंह साहब की शहीदी का वर्णन अज के दीवान विच कीता जाए। कलगी वाले पातशाह महाराज ने जो अमृत तैयार किया, इस डरपोक देश नू अमृत की दात बख्श के गिदड़ां की कौम नू शेरां दा जामा पहना दिता। कलगियां वाले पातशाह महाराज के हथों अमृत छक के बाबा दीप सिंह साहब जी बलवान फौज के जिम्मेवार जरनैल बने। बाबा दीप सिंह साहब जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल रल के बड़िया जित्तां जित्तियां। वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जिसने साहबजादियां दा वैर लैके पंजाब की धरती उत्ते ऐसा राज सिखां दा कायम किया, जिस विच कलगियां वाले पातशाह के नाम की मोहर चलाई और हल वाहुण वालियां नू जमीन की मालकी के हक दिते। वह बाबा दीप सिंह साहब जी दमदमे साहब बैठ के लिख रहे सन गुरु ग्रंथ साहब दीआं बीड़ां। लगे हुए दीवान विच अमृतसर साहब तो एक सिंह आया, उन्हें गल विच पल्ला पा के हथ जोड़ के आख्या, बाबा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा दीप सिंह साहब ने फतेह बुला के पुछया, खालसा जी कितों आए हो? बाबा जी के सामने खलो के सिख ने आख्या, बाबा जी अमृतसरों आया हाँ। बाबा जी ने पूछा, श्री अमृतसर साहब तो? उन्हें आख्या, हाँ बाबा जी श्री अमृतसर साहब तो आया हाँ। बाबा जी ने आख्या, जरा लागे हो, तेरे पैरों नू हाथ ला के अपने मस्तक नू छुवावा, तू श्री अमृतसर साहब तो आया है, गुरु रामदास महाराज की नगरी तो आया है। बाबा दीप सिंह तो परे हो के वह सिख ने आख्या, बाबा जी अजे पैर छोण वाले नहीं। बाबा दीप सिंह ने आख्या, अमृतसर सिफती का कर डिठे सभे थां नहीं तुद जिया, तू उथों आया है, पैर छोण वाले क्यों नहीं? सिख ने आख्या, बाबा जी सुख का सुनेहा नहीं लेके आए पैर, इसलिए छोण दे काबल नहीं। बाबा जी ने आख्या, बातां की पा रहे हैं? सिंह ने आख्या, बाबा जी जिस सरोवर विच्चों नहा के काले कावां तो हंस बनते सन, उस सरोवर अवदाली ने घोड़ियां की लिद पा के पूरना शुरू कर दिता है। जिस हरिमंदर साहब विच मत्था टेकियां दिलां दी मैल लैंदी सी, जन्मां दे पाप कट्टी दे सन, उस दियां नीहां विच बरूद दे कुप्पे नप के उड़ा देण दियां तैयारियां कीतियां ने अवदाली दे जरनैल बख्शी जहान खान ने। बाबा दीप सिंह दियां अखां विच खून आ गया, डौले रोह विच फरके खंडा म्यान चों कढ के मर जुड़ियां दी कौम नू हरिमंदर आजाद कराउण लई हे ऐं वंगारिया। गगंद मामा बाजियो परियो निशाने का, खेत जो मांडो सूरमा अब जूझन को दाओ। यारे खान बदाली दे चौथे हमले तो बाद दी है। खालसा जी ये तेरे वड्डियां दा इतिहास है, तेरे वड्डियां ने जो आख्या वो करके विखा दिता है। अबदाली कहिंदा है भई सिख फौलाद दा किला है, ये किसे कोलो टुट नहीं सकता। अंग्रेज सरकार कहिंदी है सिख लोहे दी दीवार है, इनू कोई तोड़ नहीं सकता। पर माफ करना, जे किते सिख कौम विच फुट ना होवे, कोई दुनिया दी कौम मैदाने जंग विच इहदा मुकाबला नहीं कर सकती। इहदा कोई मित्र बन के तो भावें इनू मार ले, इहदा कोई दोस्त बन के तो भावें इनू मार ले, पर ये रण मैदान विच कदे जित्या नहीं जा सकता। चरण सिंह साहब जी सफरी ने चार लाइना, वह कहिंदा, मच्छर लड़े ते कांबे दा ताप चढ़दा, बिच्छू लड़े ते तलख मजाज हो जाए, सप लड़े ते बंदे दी मौत हो जाए, हो भी सकदा किधरे इलाज हो जाए, पर सप इक्के ही बंदे नू डंगदा है, तगड़ा होवे ते वह भी सहार जांदा है, वह फुट चंदरी दा ऐसा डंग भैड़ा जिहड़ा कौम दी कौम नू मर जांदा है। ये सिखां दी कौम ने चरखड़ियां ते चढ़ के बंद बंद कटवा के जंगलां विच रातां कट के चरखड़ियां ते चढ़ के नेजियां उत्ते पुत्र टंगवा के बोटियां जमूरां नाल तड़वा के पंजाब दी धरती उत्ते एक बार सिखां दा राज कायम कीता। वह राज कायम कीता जिस राज विच कोई कुत्ते दे गलों कंठा नहीं सी ला सकदा, जिस लाहौर दे बाजारां विच साडे वड्डियां दे सिरां दे जलूस निकलदे सन, उस लाहौर दे बाजारां विच महाराजा रणजीत सिंह हाथी ते चढ़ के कोहेनूर हीरा अपने डौले नाल बन के जलूस कढ के फिरदा रहा। महाराजा रणजीत सिंह नेक बादशाह पंजाब की धरती उत्ते कामयाब होया। ऐसा चंगा राज जिस राज दा विदेश मंत्री मुसलमान फकीर अजीजोद्दीन सी,
बड़े चंगे चंगे लैक वजीर सन, हरी सिंह नलवे वर्गे नेक जरनैल सन, पर आंदे मर्द की माया ते बिरश की छाया वो नाल चली जाती है। महाराजा रणजीत सिंह दे अखा मीटन तो बाद ओदे राज दियां शामा पैनिया शुरू हो गईं, ओदे राज दियां दुपहरां ढलनिया शुरू हो गईं। ऐसा दिन आया खुद गर्ज लोगों ने, लालच दे भुखे लोगों ने सिखां दा चंगा राज, अनेकां घालणा घाल के लिया होया राज अंग्रेज कोल गहने पा दिता। महाराणी जिंदा जिदे विआह उत्ते 17 लख रुपया सरदार मन्ना सिंह औलख ने खर्च किया सी, ऐसा दिन आया एक ओ महाराजा रणजीत सिंह दी प्यारी महबूबा अंग्रेज ने कैदन बना के शेखूपुर दी जेल विच भेज दित्ती। इत्थे महाराणी जिंदा दी तलाशी होई, इत्थों बदल के बनारस दी जेल विच महाराणी जिंदा नूं भेज दिता। कुछ साल बनारस दी जेल विच रख के चुनार दे किले विच बदली कर दित्ती गई। अद्धी रात दा समा अगे है, अद्धी रात दा समा पिछे है, महाराणी जिंदा अपने पलंग तों उठी, फर्श ते सुती गोली शामों नूं जगा के जिवें इस किले चों निकलण वास्ते तवीज पेश कर दी है। मेरे साथी गुरमुख सिंह एमए अते सरदारा सिंह शौंकी इउं पेश कर रहे हैं। भेस बदल के किले चुनार विचों भेस, बदल के किले चुनार विचों नस जान दा लभिया ढंग राणी। शामों ने राणी दे पाए देने बोली, शामों ने राणी दे पाए देने सूरत, देख के रहे गई दंग राणी। शीशे सामने राणी ने शकल मेली, शीशे सामने राणी ने शकल मेली, कालख नाल बदला लिया रंग राणी। भैन मेरी मेरे वांग फब्बे कहिंदी, भैन मेरी मेरे वांग फब्बे सी, फराख दिल दी नहीं सी तंग राणी। मेरे वास्ते चलने कहट शामो, मेरे वास्ते चलने कहट शामो, तैथों मंग दी है हो मंग राणी। पंजाब दी शान बदले शामू, अते पंजाब दी शान बदले पूरी, लड़ू ख्याला दी जंग राणी। मैं सा मालक पंजाब दी करे शामू, करे शामू, मैं सा मालक पंजाब दी करे शामू, बनी सोने तो कच दी वांग राणी। पुत्र दली बनू मिला जागे, मिला जागे किवें, पुत्र दली बनू मिला जागे जाहर, करे ना दिली तरंग राणी। किवे गई राणी तैनू कहन गए, किवे गई राणी तैनू कहन गए, आखी गई प्याल के भंग राणी। दान लखां दा लोकां नूं करन वाली, दान लखां दा लोकां नूं करन वाली, आप फिरू खांदी मंग मंग राणी। मगद मिली जे राजे नेपाल दे तों, नेपाल दे तों मदद मिली जे राजे नेपाल दे तों, मंगण चली पंजाब दी मंग राणी। तखिए विच दे लुकण लई थां लब्बे, तखिए विच दे लुकण लई थां लब्बे, बनके दसेगी मस्त मलंग राणी। वापस राज पंजाब दा लवां जाके, वापस राज पंजाब दा लवां जाके, ताग सुखां दे सारे पलंग राणी। लखां दा लोकां नूं करन वाली दान, लखां दा लोकां नूं करन वाली, आप फिरू खांदी मंग मंग राणी। मालो माल तैनूं शामों कर देंगी, कर देंगी, मालो माल तैनू शामो कर देंगी, जदों गई पंजाब विच लंग राणी। मालक पंजाब दे कंगले नहीं, कंगले नहीं असी, मालक पंजाब दे कंगले नहीं, कदे नावेगी सुखाली गंग राणी। बेदोषी कड़ियाल ते सट वजी, बे दोषी कड़ियाल ते सट वजी, तुरी गुरमुखा काफले संग राणी। जुत्ती दे बाण
जुत्ती रे बाणा पा गोलियां दा छड जोगिया तुरी पलंग राणी। जदों पहरेदार दे कोल पहुंची पहरेदार ने जमीन उत्ते डांग खड़का के आख्या कौन है? ठेठ हिंदी विच नहीं टुटी फुटी हिंदी विच महाराणी जिंदा ने आख्या मैं गोली शामो। उन्हें आख्या किथे चली है इस वेले हनेरे? उन्हें आख्या रोज ही जानी हाँ महाराणी जिंदा तड़के इशनान करती है। पानी लैन चली हाँ गंगा माई तो पहरेदार ने लंप उच्ची कुत्ती महाराणी जिंदा दे चेहरे वाले वेख्या नहीं सियान सकिया। दरवाजा खोलिया किले का छोटा महाराणी जिंदा नू दरवाजे चो बाहर कढ़ दिता। हौली जी कहन लगा छेती आवी महाराणी ने कहा जरूर आऊंगी। पहुंच गई है नदी के किनारे। इतिहासकार कहिंदा इस किले के दरवाजे तो 100 गज ते डूंगी नदी वगदी है। उस नदी के कंढे उत्ते महाराणी जिंदा पहुंच गई। गागर नदी के किनारे उत्ते रख दिती है जिहड़ी धोती विच लका के लगई सी उस धोती दे उस गागर दे उत्ते रख दिती है। टुटी हुई जुत्ती जिहड़ी गागर विच लका के लगई सी ओ गागर चो कढ के कोल रख दिती है। महाराणी जिंदा ने पानी वेख्या जिस पास्यों पानी आउंदा सी हनेरी रात विच चंद्रे दे दिल वर्गी हनेरी रात विच मस्या दी रात वर्गी काली रात विच सप्पां दीआं सिरियां उत्ते मौत नूं मजाका करदी महाराणी जिंदा चढ़दे नूं हे ऐउं तुर पैंदी है। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਫੁਰਿਆ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ। ਮਾੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਠਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਪੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਨੱਸੀ ਜਾਵੇ ਰਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਪਛਾਣੂ ਪਾਣੀ ਨੱਸੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕੇ ਸਾਹੇ ਨੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪਿਆਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਠਨ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਪੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਨਾ ਥੱਕੀ ਨਾ ਡਰਦੀ ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬਣ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਆਉਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬਣ। 3 ਸਾਲ ਗੱਲ ਰਹੀ ਰਿੜਕਦੀ ਸੋਚ ਮਦਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਠਨ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਪੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਤਰਾ ਗਿਆ ਲਾ ਪਰਈ ਸੀ ਸਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤਰਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਾ ਪਰਿਆ ਜੂ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵਗ ਚੜਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਠਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਪੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਦਿਨ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਨ ਬੀਤ ਸਿਆਲੇ ਸੁਣੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੂਲ ਗਵਾ ਗਏ ਸੋਚੇ ਸ਼ਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਠਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਪੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਬਟੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਪ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਬਹਾਦਰ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੁਲਝੀ ਤਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਠਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਪੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। 2 ਸਾਲ 150 ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀ ਮੱਖਣੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਸ ਬਿਦ ਵੇਖਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੋਗੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪੜਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਠਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਪੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।